नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नैनसेन अवार्ड बाय UNHCR। तो क्या है ये अवार्ड, इसकी अहमियत क्या है और इस साल ये अवार्ड किसे दिया गया है और किस काम के लिए दिया गया है, इन सब बातों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा आईडी है राठौड.महिपाल और फेसबुक और टेलीग्राम पर ये आईडीज हैं। अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप उसे कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आ जाएगा लेकिन फास्टर टेलीग्राम से होगा और इजीली पुराने PDF भी आप यहां पर सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अवार्ड की। तो इस अवार्ड का नाम, पूरा नाम है UNHCR नैनसेन रिफ्यूजी अवार्ड। ये पूरा नाम है, हर साल दिया जाता है। कौन देता है अवार्ड? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, UNHCR। किसे दिया जाता है? एक व्यक्ति को या ग्रुप को? किसी को भी दिया जा सकता है। एक व्यक्ति हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। किस फील्ड के लिए? नाम ही बताता है, रेफ्यूजीज के काम के लिए। तो रेफ्यूजीज भी एक तरह के नहीं होते, देखो शरणार्थी हैं, डिस्प्लेस्ड पीपल हैं जो अपने घर से कहीं और जाने को मजबूर हैं, जैसे सीरिया में गृह युद्ध छुड़ा हुआ है। तो एक होते हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल जो अपने ही देश में एक शहर से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं, और दूसरे हैं इंटरनेशनली डिस्प्लेस्ड पीपल जो अपने देश को छोड़कर अन्य देशों में जाने को मजबूर हैं। तो सीरिया इसका एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। सीरिया में लाखों लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड भी हैं और अपने देश को छोड़कर यूरोप या टर्की जैसे देशों में भी रह रहे हैं। तो इन डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए और स्टेटलेस लोगों के लिए, स्टेटलेस वो लोग हैं जो रह तो रहे हैं किसी देश में लेकिन उस देश के नागरिक नहीं है या किसी भी देश के नागरिक नहीं है, वो स्टेटलेस हो गए। तो ऐसे स्टेटलेस लोगों के लिए काम करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, नैनसेन अवार्ड। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और UNHCR का हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनीवा में। आप लोगों के लिए एक सवाल है, UNHCR का इस वक्त अध्यक्ष कौन है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, UNHCR का करंट अध्यक्ष। तो इस अवार्ड को रखा गया है फ्रिज ऑफ नैनसेन के नाम के पीछे। ये कौन थे? ये लीग ऑफ नेशंस जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद एस्टैब्लिश हुई थी, उसके हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज थे। तो जी हाँ, लीग ऑफ नेशंस में भी एक हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज की पोस्ट थी और इन्होंने उस पोस्ट पर रहते हुए प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो विस्थापित लोग थे उनके लिए बहुत कुछ किया। खास करके 1921 में जब सोवियत संघ में एक गृह युद्ध छुड़ा हुआ था, सोवियत जो USSR का रेवोल्यूशन है, उसके बाद वहां पर बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए थे, साथ ही साथ भुखमरी थी, फेमाइन थी। उन कंडीशंस में इन्होंने हजारों रशियंस की मदद करी थी, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए काफी कुछ प्रोग्राम चलाए थे और इसीलिए 1922 में इन्हें नोबेल पीस पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो फ्रिडजॉफ नॉनसेन नैनसेन एक बहुत ही फेमस नॉर्वेजियन है और ये नॉर्वे के एक पोलर एक्सप्लोरर भी थे। जब अपनी जवानी के दिनों में ये नॉर्थ पोल एक्सप्लोर करने गए थे, नॉर्थ पोल पहुंच नहीं पाए थे लेकिन काफी आगे तक गए थे, और बाद में ये स्टेट्समैन बन गए और लीग ऑफ नेशंस के हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। तो हम हमारे मूल टॉपिक पर वापस आते हैं। तो इनके नाम के पीछे ये अवार्ड रखा गया है और इसमें एक मेडल होता है और खास करके 1,50,000 US$1,50,000 का प्राइस है। लेकिन ये पैसा आप केवल अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पैसा लेकर विनर्स घर नहीं ले जा सकते। उस पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए अगेन विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए किसी प्रोग्राम में, और ये पैसा देती है नॉर्वे और स्विट्जरलैंड की सरकारें, इसको को स्पॉन्सर करती हैं, पैसा यहां से आता है। तो हर साल ये अवार्ड दिया जाता है जिनीवा स्विट्जरलैंड में, जो कि दुनिया का ह्यूमैनिटेरियन कैपिटल भी कहते हैं। ट्रिविल जीके क्वेश्चन है, कभी पूछा जा सकता है, ह्यूमैनिटेरियन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज जिनीवा, क्योंकि वहां मेनली UNHCR का हेडक्वार्टर है, साथ ही साथ कई इंटरनेशनल मीटिंग्स भी वहीं पर होती हैं। तो यहां पर उन लोगों को इस अवार्ड से नवाजा जाता है जो उन्होंने अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी के आगे जाके, कॉल ऑफ ड्यूटी से आगे जाके, अपनी हिम्मत पर्सनल मेहनत से विस्थापित लोगों के लिए और शरणार्थियों के लिए बहुत कुछ किया हो। तो इस साल का अवार्ड मिला है अजीज बेग अशुरोव को, जो कि एक लॉयर हैं किर्गिज रिपब्लिक के। आमतौर पर हम जैसे किर्गिस्तान कहते हैं, ऑफिशियल नाम है उसका किर्गिज रिपब्लिक, जैसे भारत का नाम क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये अजीज बेग अशुरोव एक लॉयर हैं और इन्होंने पिछले 15 सालों से लगातार स्टेटलेस लोगों के लिए काम कराया है जिनकी कोई नागरिकता नहीं है, ऐसे लोगों के लिए इन्होंने काम किया है। इनका ऑर्गेनाइजेशन है फरगना वैली लॉयर्स विदाउट बॉर्डर्स। फरगना वैली एक एरिया है किर्गिस्तान का, तजिकिस्तान का बॉर्डर भी वहां लगता है। तो वहां पर इन्होंने 10,000 लोगों को नागरिकता दिलाने में मदद करी है। एक्चुअली हुआ ये था कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, तो ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं इनमें कई लोग ऐसे थे जो एक जगह पर नहीं रहते थे, नोमैडिक पीपल थे, एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे, घुमंतु जातियां थी कई सारी। तो इन घुमंतु जातियों ने अचानक अपने आप को एक देश या दूसरे देश में पाया। उनका नेचुरल ये था कि वो कभी अच्छे चरागाहों के लिए किर्गिस्तान वाले एरिया में चले गए, फिर वापस यहां आ गए।
तो इस तरह से काफी मूव करते थे, लेकिन अचानक से सोवियत यूनियन विघटित हो गया और इन्होंने अपने आप को नए देशों में पाया, पढ़े लिखे ये थे नहीं, तो ये स्टेटलेस हो गए। और स्टेटलेस होने का नुकसान ये है कि ना इन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिल पाती, ना हॉस्पिटल में इन्हें सर्विसेज मिली, ना इनके बच्चों को एजुकेशन मिली, तो इसीलिए स्टेटलेसनेस बहुत ही खराब सिचुएशन है जो ओवरऑल एक पर्सनल लाइफ के साथ साथ ही आपकी एजुकेशन और हेल्थ को भी काफ़ी खराब कर सकता है और ओवरऑल HDI लेवल भी कम होगा। तो इन स्टेटलेस लोगों को नागरिकता दिलाने के लिए किर्गिज सरकार के द्वारा अजीज बेग अशुरोव ने बहुत काम किया, कई जगह इन्होंने सफ़र किया, ऐसे एरियाज में जाकर सफ़र किया जहां पर गाड़ियां तक नहीं जाती। तो एक फ़ोटो आपको मैं दिखाता हूं, ये देखिए इनकी टीम है वकीलों की जो पहाड़ों में घोड़ों पर जा रही है उन लोगों तक पहुंचने के लिए, दूर दराज के पहाड़ों में बसे गांवों में उन लोगों तक पहुंचने के लिए जो विस्थापित हैं या फिर जिनके पास नागरिकता नहीं थी। तो ये उनकी टीम है, इतनी मेहनत करी उन्होंने पिछले 15 सालों में। तो स्टेटलेसनेस एक ऐसी स्थिति है जिससे दुनिया में करोड़ों लोग अभी जूझ रहे हैं और भारत में भी NRC का जो पूरा मुद्दा है वो इसी से रिलेटेड है कि क्या भारत 19 लाख लोगों को स्टेटलेस कर देगा। देखना होगा कि भारत सरकार इसमें क्या करती है। अगर NRC पूरा इंप्लीमेंट हो गया या फिर जैसा भाजपा के नेता बयानबाजी दे रहे कर रहे हैं, अगर वो वैसा पॉलिसी अपनाई गई तो फिर शायद 19 लाख लोग भारत में भी स्टेटलेस हो जाएंगे। तो स्टेटलेसनेस के नुकसान ये है कि एक तो आपकी लीगल राइट्स चली जाती है, फिर आप बेसिक सर्विसेज जैसे हेल्थ एजुकेशन अवेल नहीं कर सकते, साथ ही साथ राजनीतिक तौर पर आर्थिक तौर पर आप पिछड़ जाएंगे, मार्जिनलाइज हो जाएंगे और वल्नरेबल होंगे एक्सप्लॉयटेशन के लिए और अब्यूज के लिए। अब 2019 का जो अवार्ड है, एक तो हो गया मेन अवार्ड जो अजीज बेग अशुरोव को मिला है, उसके बाद कुछ रीजनल अवार्ड्स भी होते हैं। तो रीजनल अवार्ड्स रीजन वाइज दिए जाते हैं, अफ्रीका, अमेरिकाज, एशिया, यूरोप और मिडल ईस्ट, 5 रीजन है शॉर्टलिस्ट, इसमें 200 नॉमिनीज हैं, उनमें से 5 को शॉर्टलिस्ट किया गया। तो एक एक विनर के बारे में ब्रीफली हम देखते हैं। मिडल ईस्ट में जॉर्डन की अबीर ख्रिशा को यह अवार्ड दिया गया है, ये एक कम्युनिटी वॉलंटियर है, 30 साल से ये जॉर्डन में लोगों की मदद कर रही है, खास करके 2011 में जब सीरिया में सिविल वॉर छिड़ गया तो जॉर्डन पड़ोसी मुल्क है, लाखों लोग जॉर्डन मूव कर गए और उन्हीं लोगों की मदद करी है अबीर ख्रिशा ने। इनफैक्ट इन्हें मदर ऑफ सीरियंस भी कहते हैं जॉर्डन में, इन्होंने इतने लोगों की हेल्प करी है कि इन्हें सब माँ का दर्जा देते हैं सीरिया के लोग जो सीरिया के रेफ्यूजी हैं, तो शी इज कॉल्ड द मदर ऑफ सीरियंस। अफ्रीका में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बिल्कुल सेंट्रल अफ्रीका में ये देश स्थित है, यहाँ पर एक NGO है सॉलिडरिटे डे वॉलंटियर फॉर ह्यूमैनिटे, इसके फाउंडर हैं एवरिस्ट फाउमे। ये एवरिस्ट फाउम में जो है इन्होंने कॉन्गो के अंदर जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, क्योंकि कॉन्गो में भी लगातार हिंसा चल रही है पिछले कई सालों से और उस हिंसा के कारण जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उन्हें फिर से बसाने में, उन्हें खेतीबाड़ी उनकी शुरू करवाने में, उन्हें ज़मीनें दिलवाने में एवरेस्ट ने बहुत काम किया है और इसीलिए इन्हें दिया गया है अफ्रीका का अवार्ड। अमेरिका जोन में एल सेल्वाडोर देश की बियानका रोड्रिगेस को यह अवार्ड मिला है। बियानका ने भी एल सेल्वाडोर में बहुत काम किया है ट्रांस लोगों के लिए, ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ बहुत जुल्म होते हैं, अत्याचार होते हैं एल सेल्वाडोर में, क्योंकि एल सेल्वाडोर में क्राइम रेट दुनिया की हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा क्राइम, होमिसाइड्स, मर्डर्स एल सेल्वाडोर में होते हैं, बहुत हिंसा है और यही एक कारण है सेंट्रल अमेरिका से कई शरणार्थी USA की तरफ जा रहे हैं, वो मेक्सिको क्रॉस करके US जाना चाहते हैं क्योंकि उनके अपने देश में हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस हिंसा में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं ट्रांस पीपल। तो पिछले साल ही वहाँ पे 15 ट्रांस व्यक्तियों की हत्या करी जा चुकी है और बियानका रोड्रिगेस का जो NGO है कॉमकावीस ट्रांस, ये उन लोगों की राइट्स के लिए, उनकी रक्षा के लिए काम कर रहा है एल सेल्वाडोर में। फिर है एशिया के अल्बर्टो कायरो, पर्सनली मैं इनकी स्टोरी से बहुत इंस्पायर हुआ, ये अफगानिस्तान में पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए अफगानिस्तान जहां 1970 के दशक से लगातार 50 सालों से हिंसा जारी है, वहां पे ऐसे देश में ये व्यक्ति काम कर रहा है और ये अफगानिस्तान के नहीं है, ये कहाँ से हैं, मूल रूप से ये इटली के थे, तो इटली के थे, फिजियोथेरेपिस्ट थे, अफगानिस्तान आ गए 1991-92 के आसपास जब वहां पर सिविल वॉर चल रहा था और तब से पिछले 30 सालों से ये अफगानिस्तान में है। हजारों लोगों की इन्होंने मदद करी है आर्टिफिशियल लिम्स लगाने में, उन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने में, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत माइंस का इस्तेमाल किया गया था तो वहां पर हजारों लोग अपने पांव गंवा चुके हैं, उन लोगों को आर्टिफिशियल लिम्ब लगाना और उन्हें नौकरियां दिलवाना, इनफैक्ट इन्होंने ऐसे लोगों के लिए एक बास्केटबॉल लीग की शुरुआत भी करी है ताकि इनमें कॉन्फिडेंस आ सके, तो बास्केटबॉल लीग चलाई है और बहुत काम किया है और वहां पे रेड क्रॉस ऑर्थोपेडिक प्रोग्राम को ये हेड करते हैं। इनफैक्ट इनके जो पेशेंट्स हैं, वैसे आप देखेंगे कि एशियन कल्चर्स में एक कॉमन ट्रेट है कि हम बाहरी लोगों पर विश्वास बहुत मुश्किल से करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में हर कोई
इन्हें कहता है कि ये अफगान व्यक्तियों का सच्चा दोस्त है, ये व्यक्ति अल्बर्टो कायरो। यूरोप में ये अवार्ड मिला है एक एनजीओ ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स को। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स इटली की सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था 2015 में, और ये सीरिया से या फिर अन्य देशों से जो रेफ्यूजी आते हैं उन्हें इटली में सेफली एस्टैब्लिश होने में और एक नई जिंदगी स्टार्ट करने में मदद करता है, नौकरियां दिलवाने में, वहां के कल्चर में ढलने में। तो ये मदद करता है ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स, और इसीलिए यूरोप में इसे ये सम्मान मिला है। जाते जाते नैनसन अवार्ड विजेता अजीज बेग अशुरोव का ये स्टेटमेंट पढ़िए, स्टेटलेसनेस इज इनजस्टिस, इफ आई कैन हेल्प देन आई विल नॉट स्टैंड स्टिल। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग कोट है इनका, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टडी आईक्यू का प्रीमियम कंटेंट जिसमें डॉक्टर गौरव गर्ग के करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध होंगे, ये आप केवल 159 रुपीज पर मंथ में सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पे ज्वाइन बटन होगा, उसे क्लिक कीजिए और वहां से आप आगे इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस प्रीमियम में महीने में 5 वीडियोस मेरे भी आएंगे जो करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। महीने में 5 ऐसे प्रीमियम वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा सिर्फ प्रीमियम कंटेंट वाले सेक्शन में, और प्रशांत धवन सर के भी कुछ वीडियोस उसमें आएंगे। उसके अलावा जितने भी हमारे रेगुलर वीडियोस हैं, जो इस तरह के रेगुलर करंट अफेयर्स के वीडियोस हम बनाते हैं, ये चैनल पर जारी रहेंगे। जैसा अभी चल रहा है वैसा ही रहेगा, ये कंटेंट पेड नहीं है। केवल ये वीडियोस जो यहाँ पर मेंशन है सिर्फ ये पेड सब्सक्राइबर्स के लिए हैं एट 159 रुपीज पर मंथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार दोस्तों।